जलवायु और परिस्थिति की खतरे में है। मुंबई भारत के सपनों का शहर है। खुली जगह और घने जंगल और कलन के इसकी एकमात्र राहत है। गत्र के समुद्र में हरे भरे पौधे न केवल प्रदूषण के और बाढ़ को रोकते हैं बल्कि तापमान को भी नीचे लाने में काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन मुंबई मेट्रो बनाने के इस नाम के खोने का हमें डर है, जो कि आरएमएल कॉलोनी के नाम से काफ़ी मशहूर है। 2036 मिलियन डॉलर का ये प्लान, जो मेट्रो की गाड़ियों के पार्किंग और शेड के सेवा के लिए नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। 3500 पेड़ को काटे जाने का योजना है और लोग चाहते हैं कि शेड का स्थान कहीं और बने जिनमें कोई पर्यावरण विनाश शामिल ना हो। इसमें 5 लाख से अधिक पेड़ है। ये जो वन निवास है, 9 निवासी टेंडुओं का घर है और वनस्पति और जीव की विविधता है। आज भी आदिवासी के क्षेत्र में मूल निवासी है और 27 आदिवासी बस्ती यहाँ रहती है। सभी क्षेत्रों के आम नागरिक, पेशेवर, छात्र, स्कूल के बच्चे, मशहूर हस्तियों ने इस मुद्दे का समर्थन किया है और आरे एक वन जीवन है जिसमें कई प्रजातियां हैं। पक्षियों की 80 प्रजातियां हैं, तितलियों की 16 प्रजातियां हैं और स्तनधारियों की भी 16 प्रजातियां हैं। ये सरसरीप की 48 प्रजातियां हैं और यहाँ 9 तरह के टेंडुओं की भी प्रजातियां हैं और 0.4 मिलियन पेड़ है। हम चाहते हैं कि मेट्रो का शेड कहीं और बने बिना प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाए। आरे कॉलोनी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खोजा था सन 1951 में और ये जो है डेयरी के इस्तेमाल के लिए काफ़ी यूज़ आता है। करीबन 490 एकड़ फिल्म सिटी को दे दिया गया है और 2010 में भाई कल्ला जू को यहाँ शिफ्ट करने का भी प्रयास हो रहा था। वो एक काफ़ी अच्छा सुझाव था क्योंकि बाजू में ही उसके कुछ दूर पे संजय गांधी नेशनल पार्क था। करीबन 16,000 कैटल और जो कि 1238 यानी कि 1287 पे छोड़ा जाता है चरने के लिए गाय भैंसों को, और यहाँ से काफ़ी बहुत सारे टूरिस्ट जगह है और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे अच्छी अच्छी बातों के अलावा कुछ भूतिया बातें भी काफ़ी मशहूर है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आरे मिल्क कॉलोनी को बचाने के लिए।